शुरुआत करेंगे पुशअप से। पुशअप इज़ अ क्लासिक टाइमलेस एक्सरसाइज। इट विल बिल्ड योर कोर स्ट्रेंथ, शोल्डर स्टेबिलिटी और आपके चेस्ट की जो स्ट्रेंथ होती है उसको भी बढ़ाती है। आपको शुरुआत में 20 से 25 पुशअप्स मारने हैं, उसके आपको 4 सेट लगाने हैं घर पे। ये आपका एक अच्छा सा वार्म अप हो जाएगा। इससे पहले आप पीटी भी कर सकते हैं। देखिए जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है प्लैंक्स। प्लैंक्स हम सभी को पता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारी स्पाइन की स्ट्रेंथ के लिए, हमारे एब्स के लिए। आपको अराउंड 1 से 2 मिनट तक प्लैंक करना है जैसे ही आप पुशअप्स मारें, और किसी भी एक्सरसाइज के बीच में आपको रुकना नहीं है। क्योंकि अगर आपको लगता है आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है तो आप 30 से 40 सेकंड तक का रेस्ट ले सकते हैं। फिर आपको पुशअप्स करने हैं और उसके बाद प्लैंक्स करने हैं। आप पूरा नीचे जाना चाहें तो भी जा सकते हैं। अगर आपके बैक में थोड़ी बहुत दिक्कत है, अगर आपको स्लिप डिस्क की शिकायत है, तो आप ज़्यादा लोड अपनी बैक पर ना डालें। आप ट्राई करें कि आप आधा ही नीचे जाएं। और जब आप प्लैंक करें तो अपनी जो कोर स्ट्रेंथ है उसको यूज़ करें, जो आपके पेट की जो स्ट्रेंथ है उसको यूज़ करें। जितना ज़्यादा आप होल्ड करके रखेंगे उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा। इसके बाद हम करेंगे कोबरा पोज। देखिए भुजंग आसन सबसे इम्पॉर्टेंट आसन है, कोई भी चाहे बॉडी बिल्डर हो गए, फिटनेस मॉडल हो गए। अभी हाल में अगर आप देखते होंगे गौरव तनेजा की वीडियोज़ को तो उनको भी इंजरी हुई है बैक में। बहुत सारे जो बॉडी बिल्डर हैं वो बैक इंजरी से परेशान हैं। आपके चाहे प्रॉब्लम हो, चाहे स्लिप डिस्क हो, स्पॉन्डिलाइटिस की आपको प्रॉब्लम हो, भुजंग आसन सबसे ज़्यादा अच्छा आसन है सभी के लिए। अगर आपको अपनी बैक को स्ट्रेंथ करना है, मोबिलिटी प्रोवाइड करनी है, आप ये चाहते हैं कि इन्फ्लेमेशन कम हो, तो भुजंग आसन के जो पोजेज हैं वो आपको करने ही करने हैं। हर एक्सरसाइज के साथ आप इंक्लूड करें और बहुत ही अच्छा है बैक के लिए। लोअर बैक में अगर थोड़ा बहुत भी दर्द होता है तो इस एक्सरसाइज को करके वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। भुजंग आसन के भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं। अगर आप जानना चाहते हो भुजंग आसन के बारे में ज़्यादा से तो मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट्स में बता देना। लेकिन आपको भुजंग आसन करना ही करना है। आप पुशअप्स करें या ना करें, आप प्लैंक्स करें ना करें, लेकिन भुजंग आसन आपको डेली उठ के करना है। देखिए अब मैं राइट साइड से अपने लेफ्ट वाले काफ को देखने की कोशिश करूंगा और लेफ्ट साइड से राइट वाले काफ को देखने की कोशिश करूंगा। इससे हम अपनी स्पाइन पे प्रेशर बनाते हैं चारों तरफ से। तो जो डिस्क अगर इधर उधर हो जाती है या हमारे गलत पोस्चर की वजह से जो हमारे कमर में दर्द होता है तो वो दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है और स्ट्रेंथ भी मिलती है हमारी कमर को, कि जैसे हम वेट उठा लें तो कहीं हमें स्लिप डिस्क ना हो जाए या हमें कोई बैक में प्रॉब्लम ना हो जाए, जो आजकल जो बॉडी बिल्डर सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं उन चीज़ों से। जो आजकल ज़्यादातर लोग आपको बोल रहे हैं बैक की एक्सरसाइज को, मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को तो प्रॉब्लम भी थी, इसलिए मेरे को नॉलेज भी ज़्यादा है इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि मैंने खुद चीज़ों को ठीक किया है। अपनी बॉडी बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी जो बॉडी है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, हम फिट रहें। एब्स इतने ज़रूरी नहीं है, हमारा फिट रहना बहुत ज़रूरी है और फिट हमें योगा ही बनाता है। मैंने जितनी भी एक्सरसाइज बॉडी बिल्डिंग में सीखी हैं, योगा में सीखी हैं, इन सभी को मिक्स करके मैं फंक्शनल ट्रेनिंग के रूप में आपको सारी एक्सरसाइज दिखाता हूँ। अब हम कर रहे हैं कैट एंड कैमल पोज। ये भी बैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसको कैट एंड काओ पोज भी बोला जाता है। ये आपके बैलेंस के लिए, पोस्चर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो कहते हैं ना कि हमारी स्पाइन को हमें लचीला बनाना है, जो लचीलापन जो आता है वो इसी एक्सरसाइज से आता है। और इंग्लिश में कहें तो मोबिलिटी जो है, बेस्ट मोबिलिटी एक्सरसाइजेस में से ये नंबर वन एक्सरसाइज है, तो ये भी आपको करनी ही करनी है। तो अब हम कर रहे हैं साइड ग्लूट किक आउट। ये बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है आपकी ग्लूट मसल के लिए, आपकी जो इनर थाई होती है उसके लिए बहुत अच्छे से काम करती है, आपकी ग्लूट मसल को स्ट्रॉन्ग कर लेती है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जिन लोगों के SI जॉइंट पर इन्फ्लेमेशन आ जाती है किसी रीज़न की वजह से, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको अराउंड 2 से 3 सेट करने हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको 15 से 20 रैप्स करने हैं। अगर आप एडवांस्ड हैं तो आप कर सकते हैं 25 से 30 रैप्स, 3 से 4 सेट्स। इसके बाद यू हैव टू डू क्लैम शेल्स। यू हैव टू लिफ्ट योर टॉप नी अप वाइल कीपिंग योर हिप स्टिल, लोअर योर नी बैक डाउन एंड रिपीट। आपको अपने हिप्स को स्टिल रखना है, अपनी काफ को ऊपर लेके जाना है, अपनी लेग को भी आपको स्ट्रॉन्ग करके रखना है। जब आप ये मूवमेंट कर रहे हैं, जब आप लगा रहे हैं रैप्स, तो आपको अपनी कमर को भी इस तरीके से बेंड करना है, बहुत ही आराम से करना है और तरीके से करना है। जब आप ये कर रहे हो तब आप ये सोचें कि मेरी मसल पे वो प्रेशर आ रहा है, क्योंकि जो ये बॉडी बिल्डिंग वाला जो गेम है ये सारा आपके माइंड से रिलेटेड है। अगर आप माइंड से फोकस करेंगे जिस मसल पे, उसी मसल पे रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। जो आपके शरीर की क्षमता है, स्ट्रेंथ है, उसी के हिसाब से आपको वर्कआउट करना है। नहीं तो हमें कोई कंपटीशन लड़ना है, हमें फिट रहना है और हमें फिट रहने के लिए ही एक्सरसाइज करनी है, जिससे हमें कोई रोग ना हो। अगर हमारी बॉडी में कोई रोग है तो वो ठीक हो जाए, कोई हमारे बैक में प्रॉब्लम है, कोई हमारे बॉडी में प्रॉब्लम है, वो हम एक्सरसाइज करके ठीक कर लें। मेरा उद्देश्य इस चैनल पर
सारी चीज़ें बताने का यही है कि आपका जो शरीर है वो ठीक रहे, आप स्वस्थ रहें, आप स्ट्रांग रहें बेसिकली, और वो भी नेचुरल तरीके अपना के। अब हम फिर पुशअप्स करेंगे। देखिए, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को चला लीजिए, आप हेडफोन्स लगा लीजिए, गाने लगा लीजिए तेज़ आवाज़ में, आपको मोटिवेशन मिलेगी, और मेरे साथ में एक्सरसाइज करिए। अगर आप बीच बीच में रेस्ट लेना चाहते हैं तो आप रेस्ट ले सकते हैं। जिन लोगों की भी बैक में प्रॉब्लम है वो पुशअप्स ना करें। आप पहले ठीक होंगे तभी आप ये सारी एक्सरसाइज करेंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अगर आपके बहुत ज़्यादा पेन है तो आप सिर्फ योगा वाली एक्सरसाइज करेंगे, सिर्फ आसन्स करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम सीधा लेटेंगे और हम एब्स करेंगे। सबसे पहले हम हाफ क्रंचेस करेंगे। दोनों हाथों को अपने सर के पीछे रखेंगे और ऊपर आने की कोशिश करेंगे। आप धीरे भी आ सकते हैं, थोड़ा सा तेज़ भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरीके से करना चाहते हैं। जो आपकी अपर वाली जो मसल है उसको स्क्वीज़ करेंगे और फिर पीछे जाएंगे। ऐसे आप 50 रैप मार सकते हैं, 4 सेट आपको करने हैं। अगर आपसे 50 नहीं लगते तो आप 25 करें शुरुआत में। देखिए, क्रंचेस काफ़ी टाइप के होते हैं। बेसिक क्रंच होते हैं, रिवर्स क्रंच होते हैं, वर्टिकल लेग क्रंच होते हैं, लॉन्ग आर्म क्रंचेस होते हैं, बाइसिकल क्रंच होते हैं, डबल क्रंचेस होते हैं। तो ये वाला जो क्रंच है वो हाफ क्रंच है। इससे ज़्यादा एक तो बैक पे लोड नहीं आता, तो अपर एब्स होते हैं उन पे काफ़ी अच्छा प्रेशर आता है, तो जल्दी आपकी विजिबिलिटी आती है। बेसिकली लेग रेज इज़ अ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज विच टारगेट्स योर लोअर एब्स। क्योंकि जो हमारा बैले फैट होता है, जो लोअर एब्स होते हैं, अगर आप उनको ट्रेन करेंगे तभी उनकी विजिबिलिटी बढ़ती है, और विजिबिलिटी तभी बढ़ती है जब आप डाइट फॉलो करते हैं। आप कितनी एक्सरसाइज कर लें, अगर आप डाइट फॉलो नहीं करेंगे तो आपके एब्स विजिबल नहीं होंगे, नहीं आपकी जो मसल में शार्पनेस आती है वो आएगी। अगर आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में हैं तो उन लोगों को मत देखिए जो स्टेरॉइड्स लेते हैं या जो एनाबॉलिक्स पर रहते हैं। बेसिकली मेरा गोल यह है कि नेचुरली जितना पॉसिबल हो सके हम अपनी मसल्स को उतना ज़्यादा शार्प करें, अपने एब्स को विजिबल करें, अपने आप को ट्रेन करें। जितनी ज़्यादा हम पावर लगा सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, अपनी एंड्योरेंस बढ़ा सकते हैं, हम उस चीज़ पर वर्क करें। बोथ दीज एक्सरसाइजेज वर्क ऑन योर लोअर एब्डोमिनल। इफ़ यू कीप योर नीज स्लाइटली बेंड इट विल टेक ऑफ अ लिटिल प्रेशर इन द बैक। अगर आप अपनी नीज को थोड़ा बेंड करके रखेंगे तो थोड़ा कम प्रेशर आएगा आपकी कमर पर। इस एक्सरसाइज को बोलते हैं फ्लटर किक्स। ये भी हमारी लोअर एब्डोमिनल को स्ट्रॉन्ग करती है, लोअर एब्स के लिए है। देखिए, बोथ लेग लिफ्ट एक्सरसाइज में क्रंच की तरह आपको करना है। आपको अपनी बैक को थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखना है और अपनी नीज को पूरा स्ट्रेच करना है। ये ओवरऑल एब्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। Now we are doing सर्वांगासन which is also known as ब्रिज पोज। बहुत अच्छा है आपकी स्पाइन के लिए, आपकी ग्लूट्स के लिए, आपकी बैक के लिए। जिनको लोअर बैक में पेन रहता है वो अगर डेली इसको करेंगे अराउंड 10 से 15 मिनट तो आपके लोअर बैक का पेन बहुत कम हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन वहाँ पर नहीं होगी। जितना ज़्यादा आप होल्ड करके रख सकते हैं उतना ज़्यादा आप होल्ड करिए, और आप इसको बार बार भी कर सकते हैं। मतलब एक बार आप ऊपर आइए, फिर नीचे आइए, फिर ऊपर, फिर नीचे आइए, ऐसे आप 15 से 20 रैप कर सकते हैं, जिसके 4 सेट लगा सकते हैं। अब आप अपनी राइट वाली लेग को लेफ्ट वाली नी के ऊपर रखेंगे और आप अपनी पीठ को उठाएंगे। जितना ज़्यादा आप उठाएंगे उतना ज़्यादा बेटर है। आपको ऐसे 25 रैप करने हैं, 20 से 25 रैप, 4 सेट लगाने हैं, और जब तक आप करें, जब तक आप थके नहीं, जब तक आपको लगे नहीं कि भैया अब मेरे से बिल्कुल हो नहीं सकता है, तब तक अपने को पुश करते रहें। जितनी आपके अंदर पावर है उतनी पावर से आप इसको करें, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपकी जो बैक का पेन है वो चला जाएगा, आपकी जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होगी, और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ेगी। देखिए, मैं सारी एक्सरसाइजेज बिना रुके कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों में इतना स्टेमिना नहीं होगा क्योंकि कुछ लोग बिगिनर्स होंगे, कुछ एडवांस्ड होंगे। तो अगर आपको एक एक एक्सरसाइज करनी है तो उस हिसाब से मैं आपको रैप्स बता रहा हूँ, उस हिसाब से आपको सेट्स बता रहा हूँ। जैसे अगर आपने इन जितने भी मैंने आपको वर्कआउट बताए हैं, अगर आप इनमें से 3 एक्सरसाइज उठाते हैं या 4 एक्सरसाइज उठाते हैं
तो आप 25-25 रैप करिए और 4-4 सेट करिए, और कम से कम 4 से 5 एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है, चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप एडवांस हो, किसी भी लेवल पे आप हो, आपको 3 से 4 एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है। देखिए अब हम कर रहे हैं रेजिस्टेंस बैंड से एक्सरसाइज, ये हमारे ग्लूट्स के लिए बहुत अच्छे से काम करती है। आपकी जो ग्लूट्स है वो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी ओवरऑल स्पाइन स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि जैसे घर की नींव जितनी मजबूत हो उतना ही स्ट्रक्चर मजबूत होता है, उसी तरीके से हमारी लोअर बैक होती है, उसी तरीके से हमारे ग्लूट्स होते हैं। जितने ये स्ट्रांग होंगे उतना ही हमारा अपर स्ट्रांग होगा, हमारा बेस स्ट्रांग होगा, तो इनको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स इनको ट्रेन नहीं करते हैं, लेकिन लड़कियाँ ट्रेन करती हैं, तो आपने देखा भी होगा कि उनके जो ग्लूट्स हैं, उनकी जो बैक है वो काफ़ी स्ट्रांग रहती है और उनको इंजरीज भी कम होती हैं। अब मैं सिंगल रेजिस्टेंस लेग लिफ्ट कर रहा हूँ, ये आपको 15-15 बार दोनों साइड से करना है, पहले लेफ्ट से करना है फिर राइट से करना है। ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रेचिंग होती है आपकी, इससे आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं, ये फ्लेक्सर जो होते हैं आपके वो स्ट्रांग होते हैं। देखिए गाइस, मुझे 15 सालों का एक्सपीरियंस है, जब मेरी इंजरी हो गई थी उसके बाद मैंने अपने वर्कआउट को मॉडिफाई किया, जब स्पॉन्डिलाइटिस वाली प्रॉब्लम हो गई थी उसके अकॉर्डिंग भी मुझे देखना पड़ता था कि ऐसी मैं कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करूं जो मेरे को ओवरऑल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, जो मेरा बॉडी पार्ट वीक हो रहा है मैं उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करूं। तो ये सारी एक्सरसाइजेज उसी का नतीजा है, मैंने ये करी हैं और धीरे धीरे मैंने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक दिन में ये सारी एक्सरसाइज करना मैं लग गया, मैंने सीख ली, क्योंकि जब स्लिप डिस्क भी हो जाती है तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ इसके अंदर मैं अपने ग्लूट्स की ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं अपने ग्लूट्स को ही स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज मैं डेली करता ही करता हूँ जिससे कि मेरे जो ग्लूट्स हैं, जो मेरे जो लोअर बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग रहे। मेरे एब्स को मैं बार बार ट्रेन करता हूँ जिससे मेरे जो, क्योंकि मैं कैलरीज अपना कैलरी काउंट नहीं करता हूँ, मैं खूब अच्छी डाइट लेता हूँ, जो मैं खाना चाहिए वो खाता हूँ, देसी घी दूध वगैरह जो देसी डाइट होती है वो पूरी फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं अपने वर्कआउट में कभी भी चीटिंग नहीं करता हूँ, पूरी ईमानदारी से मैं अपना पूरा वर्कआउट करता हूँ। और हार्ड जाना चाहते हो, आपको लगता है कि मैं और हार्ड चला जाऊँ, तो रेजिस्टेंस बैंड पहन के मैं वही सारी एक्सरसाइज दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, उससे हमारी जो हमें स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है वो थोड़ी और ज़्यादा लगानी पड़ती है, जो कैलरी जो बर्न होती हैं, वो जो प्रोसेस होता है वो और फास्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही वर्कआउट करने हैं, जितने आपसे हो सकें उतने आपको वर्कआउट करने हैं, जिस मसल को आप ट्रेन करना चाहते हो वो वाला वर्कआउट करो। होम वर्कआउट में मैं सारे वर्कआउट इंक्लूड करके रखता हूँ, एक बार में ही करता हूँ। मैं अभी आपको कैटल बेल्स वाले वर्कआउट भी आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा कि मैं पुशअप भी बहुत सारे टाइप से करता हूँ, हेड स्टैंड करता हूँ, हैंड स्टैंड करता हूँ, मैं हाई इंटेंस कार्डियो करता हूँ, तो धीरे धीरे मैं आपको आने वाली वीडियोस में सारे वर्कआउट्स में दिखाऊंगा। बाकी मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पर अपने वर्कआउट्स डालता रहता हूँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो द ग्रूमिंग वर्ल्ड पर जाके फॉलो कर लो, वहाँ पर भी रील्स में मैं स्पेशली वर्कआउट्स बनाता हूँ, जो शॉर्ट वर्कआउट्स होते हैं कि कौन कौन से वर्कआउट्स आप फटाफट कर सकते हो और अपनी कैलरीज बर्न कर सकते हो। जो पुरानी वाली वीडियो मैंने डाली थी उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो सारे प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, वहाँ से आप ले सकते हो। इस वाले रेजिस्टेंस बैंड से अब हम चेस्ट को ट्रेन कर रहे हैं, मैं चेस्ट का वार्म अप कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ जितना मेरी चेस्ट स्ट्रेच हो। चेस्ट का वार्म अप करने के बाद मैं 5-5 किलो के डंबल्स मारूंगा और इससे मैं 20 से 25 रैप निकालने की कोशिश करूंगा, अराउंड 2 से 3 सेट मारूंगा, आप 4 भी मार सकते हो, डिपेंड करता है आपके अंदर स्टेमिना कितना बचा हुआ है। मैं बीच में रुका नहीं हूँ, सारा एक साथ करके आपको दिखा रहा हूँ और मैं इसमें काफ़ी हैवी भी जाता हूँ। मेरे पीछे जो डंबल पड़ा हुआ है एक और, वो अराउंड 12.5 किलो का डंबल है, जो मुझे अराउंड 15 किलो का लगता है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है। ऐसे एक्सरसाइज करने से लोअर बैक पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं होती। अब मैं डंबल फ्लाई मार रहा हूँ, ये भी आप 15 से 20 रैप आपको मारने हैं, 2 से 3 सेट आप ही कर सकते हैं।
अब ये मैंने पुराने वाले डंबल्स लिए हैं, ये अराउंड 12.5 केजीज़ के हैं, मैंने आपको पहले बताया था। इससे मैं अराउंड मारूंगा 20 से 15 रैप, मतलब जितना डिपेंड करता है मेरी स्ट्रेंथ पे, मेरे अंदर जितनी स्ट्रेंथ होती है मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाता हूँ। और आप ये देखो, थोड़े डंबल पुराने हैं मेरे, ये साफ़ भी नहीं हुए थे, और कॉस्को के जो डंबल्स हैं उनसे ऑब्वियसली बात है वो नए हैं और वो बेटर भी हैं। इनकी जो रबड़ है वो इतनी अच्छी नहीं है, तभी मैंने कॉस्को के डंबल्स प्रेफर किए थे सभी के लिए। देखिए, आप ऐसे लेट के जब मारते हैं तो पूरा का पूरा जो प्रेशर है वो आपकी चेस्ट पे ही आता है, और इसके अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि, क्योंकि फॉरवर्ड बेंडिंग मना होती है। जितने भी स्लिप डिस्क के पेशेंट होते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, और जिनकी भी लोअर बैक में कैसी भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब आप लेट के एक्सरसाइज करते हैं तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आता, बशर्ते आप ध्यान से करें। आप लेटे भी हैं तो भी आपको डंबल्स वगैरह सब कुछ बहुत ध्यान से उठाना है, बहुत आराम से उठाना है, और तभी उठाना है जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, जब आपने अपनी पूरी रिकवरी कर ली हो। और रिकवरी होती है वही सारे आसन करके जो बाबा रामदेव जी के हैं, जो मैंने आपको जो स्ट्रेचेस बताए हैं, एक्सरसाइज बताई हैं। डंबल्स के साथ भी अनगिनत एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर इस चैनल पे मैं ज़्यादातर वही एक्सरसाइजेज बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आपकी बैक पे लोड ना आए, क्योंकि मेरे खुद के बहुत ज़्यादा दिक्कतें रही हैं, तो मैं अवॉइड करता हूँ वो सारी एक्सरसाइज करना जो आपके बैक पे प्रेशर क्रिएट करें। लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी अच्छे से अपनी रिकवरी कर ली है स्लिप डिस्क की, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आप ये सारी एक्सरसाइजेज ना करें जो हैवी डंबल्स वाली एक्सरसाइजेज हैं। देखिए, रिकवरी होने के बाद भी मैं डंबल्स को किस तरीके से रख रहा हूँ, आपको जो भी चीज़ें करनी हैं, जो भी वेट पुल करना है, उसको बहुत ज़्यादा आराम से उठाना है, बहुत तरीके से उठाना है। क्योंकि जब स्पाइन वीक हो जाती है तो हल्की सी भी प्रॉब्लम होने के बाद अगर थोड़ा सा भी जर्क आता है तो फिर दोबारा से इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। तो आपको मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपको बहुत आराम आराम से और बहुत ध्यान से करनी है। जब आप उठेंगे तो अपने एक हाथ साइड में रख के उठेंगे, एक साइड से उठेंगे, बिल्कुल सीधा का सीधा नहीं उठेंगे। देखिए, ऐप किंग प्रो के बारे में मुझे पता चला था मुंबई में, मैं जब जिम करता था मुंबई में तो वहाँ पर ये रहते थे, तो मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था। लेकिन जब मैंने ये यूज़ किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जब आप एब्स करते हैं तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपकी बैक पर काफ़ी प्रेशर आता है, आप थक जाते हैं, लेकिन इसकी मदद से आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट होता और आप अपने एब्स को ज़्यादा अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। आप एक ही मूवमेंट को बार बार रिपीट कर सकते हो बिना थके। ये आपको अराउंड 30 से 40 रैप्स करने हैं, अराउंड 4 सेट आप कर सकते हैं। अपर एब्स बहुत अच्छे से ट्रेन होते हैं, मेरी विजिबिलिटी इतनी क्लियर आ गई थी, मैं आपको अभी दिखाता हूँ एक फ़ोटो में, मेरी एक पुराना मैंने शूट करवाया था, तुरंत मैं ये वाली एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा करता था और उसके बाद मैंने शूट कराया था, तो मेरी काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी थी। मैं आपको अपने ठीक होने के बाद की फ़ोटो डाल दूंगा, तो आप वो देख लेना। इससे आप अपने अपर एब्स को ही ट्रेन करेंगे। देखिए, जितने भी इक्विपमेंट मैंने आपको बताए हैं अभी तक, वो सारे मैं यूज़ करता हूँ, मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो आप लें। अगर आप उसको अपने वर्कआउट में इंक्लूड करेंगे तो ही लेने का फ़ायदा है, नहीं तो पैसे की इस वक्त बहुत ज़्यादा मारामारी है। मैं ये नहीं चाहता कि आप कोई बेमतलब मेरे कहने पर ऐसी चीज़ ले लो जिसे आप यूज़ भी ना करो। देखो, अगर आप वर्कआउट करोगे, इन चीज़ों को यूज़ करोगे, तो ही अपने पैसे इन चीज़ों में डालना, नहीं तो आप प्रोडक्ट ले लोगे, प्रोडक्ट यूज़ भी नहीं होगा, आपके पैसे भी वेस्ट होंगे, और आपको ये भी होगा कि भाई मैंने बेमतलब ले लिया और मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब फोकस के साथ में सोच समझ के ही इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना आप अपना पैसा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये इक्विपमेंट होंगे तभी आप एक्सरसाइज करोगे, बिना इक्विपमेंट के भी आप बहुत सारे वर्कआउट्स जो कर सकते हो। मैं आने वाली वीडियो बनाऊंगा उन चीज़ों पे भी, मुझे कमेंट्स में बता देना। तो बिना इक्विपमेंट के आप वर्कआउट करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ों के बिना आप वर्कआउट नहीं कर सकते, बस आपको एक योगा मैट लेना है एंड यू आर गुड टू गो। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आपको वर्कआउट करना है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक्सरसाइज फिज़िकल एक्टिविटी आपको करनी है, खाली नहीं बैठना है, आपको फोकस के साथ मेहनत करनी है, अपने शरीर को ठीक करना है। जिनके दिक्कत है और जिनका ऑलरेडी बहुत बढ़िया शरीर है, कोई दिक्कत नहीं है भगवान की दुआ से, उनको अपने शरीर को और स्ट्रॉन्ग करना है और अच्छी तरफ लेके जाना है। अच्छी आदतों के साथ आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है और हार्डवर्क करना है।
प्लैंक से बढ़िया एक्सरसाइज मैंने आज तक नहीं करी। ना तो आपको कोई इक्विपमेंट चाहिए, ना कोई डंबल चाहिए, कैसी भी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। चार सेट करिए प्लैंक के, अराउंड दो दो मिनट का आप होल्ड करो, बहुत है आपके लिए। दो मिनट नहीं कर सकते तो एक मिनट करो, एक मिनट नहीं कर सकते तो 40 सेकंड तक आप होल्ड करके रखो। बहुत ज़्यादा अच्छा है आपकी बैक के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके कोर के लिए, एब्स के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए। उसके बाद 15 से 20 रैप आप माउंटेन क्लाइंबर्स के करिए, 2 से 3 सेट। फिर जाते जाते आपको कैट एंड कैमल पोज करना है। तो आज के वर्कआउट में इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना वर्कआउट आपसे हो पाए आप उतना ही करिए। और मैं आने वाले वीडियोस में और होम वर्कआउट की वीडियोस लेके आऊँगा, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ट्रेन करेंगे। आज हमने सारा मिक्स किया है, हमने ज़्यादातर अपना हर बॉडी पार्ट ट्रेन किया है। और उस बेल आइकन को भी प्रेस करके सब्सक्राइब का बटन दबा लेना, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे ग्रूम्ड।